नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि लोकसभा चुनावों में वोट कैसे गिने जाते हैं। काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूं कि जैसे आपने वोट दे दिए, उसके बाद VVPAT EVM या फिर जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं, जैसे कि कुछ वृद्ध लोगों के लिए या आर्मी के लोगों के लिए, तो वहाँ पर उन सारों को कैसे गिना जाता है और कैसे फिर एक रिज़ल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का निकाला जाता है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीकेटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 54A के मुताबिक जो काउंटिंग है पोस्टल बैलेट पेपर्स की, वो सुबह 8 बजे शुरू हो जाती है। जो काउंटिंग डे होता है उस दिन सुबह 8 बजे जो बैलेट पेपर्स हैं, पोस्टल बैलेट पेपर्स, उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। अब आप बोलोगे कि अभी तो चुनाव EVMs में होते हैं, लेकिन फिर भी कई, जैसे कोई वृद्ध लोग होते हैं या आर्मी के लोग होते हैं, उनके लिए बैलेट पेपर्स यूज़ होते हैं, तो काउंटिंग जो है पोस्टल बैलेट पेपर्स की वो 8 AM पे शुरू हो जाती है। इसके बाद जो EVM वोट्स हैं उनकी काउंटिंग 30 मिनट बाद शुरू होती है। तो 8 बजे पोस्टल बैलेट पेपर्स के काउंटिंग की शुरुआत हो जाती है और 30 मिनट बाद EVM वोट्स की काउंटिंग की शुरुआत होती है। अब देखो, जो EVMs हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखे जाते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है और वहाँ पे जैसे ही इलेक्शंस पूरे हो गए, सारे जनता ने वोट दे दिया, तो उन EVMs को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। अब जो काउंटिंग डे है उस दिन सुबह 7 बजे इस स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है। जो कैंडिडेट हैं, माने जो चुनाव में खड़े हुए थे, उनके सामने या फिर जो कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने, यानी या तो जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे होगा या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर होंगे, उनके प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग रूम को सुबह 7 बजे खोल दिया जाएगा। सवाल है कि खोलेगा कौन? तो ये रिटर्निंग ऑफिसर या जो स्पेशल ऑब्जर्वर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इस लॉक को खोलते हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि टिपिकली लोकल गवर्नमेंट यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ऑफिशियल होता है या ऑफिसर होता है। और जिस व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके बनाती है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है RO, इसकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि इसी के सुपरविज़न में और इसकी डायरेक्शन में जो काउंटिंग है वोट्स की वो होती है। तो इसलिए ये जो RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, ये आपने ध्यान रखना है, सवाल पूछा सकता है। और ये टिपिकली लोकल गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है। और किस व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके डिसाइड करती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक तो होता है RO, जो मैंने पहले बताया रिटर्निंग ऑफिसर, इसके साथ साथ एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है, यानी कि ARO। ये जो ARO माने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, ये असिस्ट करता है रिटर्निंग ऑफिसर को, यानी ये मदद करता है। कैसे? जो ARO होता है वो EVM की काउंटिंग करता है एक टेबल में, और जो RO है वो पोस्टल बैलेट्स को दूसरे टेबल में काउंट करेगा। अब यहाँ पे काउंटिंग के कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी प्रोसेस को ओवरसी करते हैं, देखते हैं। हर एक टेबल जहाँ पे काउंटिंग होगी वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं और काउंटिंग सुपरवाइज़र होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। अब देखिए, EVM की जो कंट्रोल यूनिट है उसको काउंटिंग टेबल पे लाया जाता है और पूरी की पूरी प्रोसेस को वीडियोग्राफ किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस को CCTV कैमराज के माध्यम से मॉनिटर भी किया जाता है और इसकी वीडियोग्राफी भी होती है। अब जैसे ही टेबल पर मशीन्स आ गई तो यूनिक ID और जो सील होती है हर एक कंट्रोल यूनिट की, उसे मैच किया जाता है। एक कंट्रोल यूनिट है, हर कंट्रोल यूनिट की एक यूनिक ID होगी और हर एक कंट्रोल यूनिट में एक सील होगी। तो इस सील को और जो यूनिक ID है, इन्हें मैच किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हैं, जो मैंने पहले बताया कि वहाँ पे या तो कैंडिडेट होगा या फिर कार्यकर्ता होंगे जिन्हें पोलिंग एजेंट बोलेंगे, तो हर कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होगा उसको वो दिखाई जाती है कि आप देख लीजिए कि ये कंट्रोल यूनिट और जो यूनिक ID है ये दोनों मैच कर रही हैं। अब जैसे ही कंट्रोल यूनिट में बटन प्रेस किया जाता है तो हर कैंडिडेट के जो वोट हैं वो उसके नाम के सामने अपीयर होने लगते हैं EVM में। काउंटिंग सेंटर में हमेशा टोटल कितने टेबल्स होते हैं,
15 टेबल्स होते हैं। इन 15 टेबल्स में से जो 14 टेबल्स हैं वो काउंटिंग के लिए होते हैं, वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं वो वोट्स को काउंट कर रहे होते हैं, और जो एक टेबल यानी 15वां टेबल होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर आरओ के लिए रिज़र्व किया जाता है। तो हर एक काउंटिंग सेंटर में टोटल 15 टेबल्स होते हैं, जिसमें से 14 काउंटिंग के लिए होते हैं और एक को रिज़र्व किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। अब कौन सा एम्प्लॉय कौन से टेबल में काउंटिंग करेगा ये सीक्रेट रखा जाता है, ये नहीं बताया जाता है कौन सा एम्प्लॉय। जैसे 14 एम्प्लॉयज़ है ना, 14 टेबल्स हैं, 14 एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अलग अलग टेबल्स में काउंटिंग करेंगे, मगर कौन सा एम्प्लॉय कौन से टेबल में बैठ के काउंटिंग करेगा इसको सीक्रेट रखा जाता है। जैसे ही काउंटिंग डे आएगा उस दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रैंडमली हॉल्स और टेबल जो है वो स्टाफ को अलॉट करेगा। उससे पहले किसी भी स्टाफ मेंबर को पता नहीं होगा कि उसको कहाँ पे जाके कौन से टेबल में जाके बैठना है। ये सुबह सुबह जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो आएगा और वही अलॉट करेगा हॉल्स भी टेबल्स भी स्टाफ को। अब जो वोटिंग की काउंटिंग है वो 8 बजे शुरू होगी जैसे मैंने बताया, और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट्स या इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट्स हैं उन्हें काउंट किया जाता है। उसके बाद जो ईवीएम वोट्स हैं उनको काउंट करना शुरू करते हैं लगभग 30 मिनट्स के बाद। जैसे ही ईवीएम वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है उसके मिनटों में ही जो ट्रेंड्स हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ट्रेंड्स माने कि अब जैसे आपको पता है आप टीवी ऑन करते हो जब भी चुनावों के रिजल्ट आते हैं, फिर वहाँ बताया जाता है कि इस सीट से ये व्यक्ति लीड कर रहा है, ये इतने नंबरों से पीछे है, तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये मिनटों में ही शुरू हो जाते हैं। अब देखिए जो काउंटिंग सेंटर होता है वहाँ पे काउंटिंग स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर, सिक्योरिटी पर्सनल और जो एजेंट्स हैं वही काउंटिंग सेंटर के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे काउंटिंग जब तक नहीं हो जाती है पूरी तब तक जो भी कैंडिडेट का एजेंट है वो वहाँ से लीव नहीं कर सकता, यानी वहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता है। अब जो लोग ड्यूटी में हैं वहाँ पे उनके अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति को मोबाइल अंदर ले जाना अलो नहीं होता है, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉयज़ हैं वही अपना फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं। अब देखिए कोई भी पार्टी को अगर इरेगुलरिटीज़ ऐसे लगती हैं कि वोट की जो काउंटिंग है उसमें धांधली हुई है, तो एक बार जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब हो जाती है, उसी के बाद वो उस सारे को रिकाउंट करने की बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बीच में अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ और तुम पहले बोलने लग पड़ो कि धांधली हुई, नहीं, पहले पूरा का पूरा काउंटिंग होगी उसके बाद वहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद अगर आपको लगता है कि इरेगुलरिटीज़ है तो फिर वहाँ पे रिकाउंट करने के लिए डिमांड की जा सकती है। अब देखो जैसे ही पूरी की पूरी वोट्स की काउंटिंग हो जाती है तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो वोट्स का जो डाटा है वो एंटर करता है रिज़ल्ट शीट में, फिर रिज़ल्ट शीट में एंटर करने के बाद ही जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रिज़ल्ट को डिक्लेयर करता है और जो एक सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री है वो उस कैंडिडेट को दिया जाता है जो कैंडिडेट चुनाव जीतता है। पूरे के पूरे वोट्स काउंट होने के बाद ईवीएम जो है उनको दोबारा स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि एक बार जैसे ही ईवीएम्स को पूरा का पूरा काउंट कर दिया जाता है, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद ईवीएम्स को काउंटिंग डे के 45 दिनों बाद तक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। ये ध्यान रखना, सवाल पूछा सकता है कि 45 दिनों तक जो ईवीएम है उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। तो इस प्रकार से वोट्स की काउंटिंग होती है। अब यहाँ पे पोलिंग बूथ में ईवीएम्स को रखा गया, पोलिंग बूथ से जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ तक जो ईवीएम्स को लाना है ये भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। इसको मैंने अच्छे से अलग से इस वीडियो में कवर किया है कि किस प्रकार से पोलिंग बूथ से जो ईवीएम्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम तक लाया जाता है। इसे अच्छे से देखिएगा, एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको सारी चीज़ें विस्तार से समझाई हैं, तो इसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि बात इलेक्शन की आई है तो इलेक्शन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है जिसको काफ़ी लोगों ने देखा और पसंद भी किया है। आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इलेक्शन सिस्टम के बारे में। भारत में इलेक्शंस में जो इंक यूज़ होती है उसको वोटर्स इंक या फिर इंडेलिबल इंक बोलते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से इसको यूज़ किया जा रहा है, पूरे देश में वो कौन सी क्लोथी ऐसी कंपनी है जो इसे सप्लाई करती है, इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इलेक्शंस की बात आती है तो एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात भी आती है। देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या होते हैं, इनके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, इनको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको भी जरूर देखिएगा।
जाएगा। सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखेगा। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टीचर ऑफ साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करके बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटिन्यू, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।